संजय सरवरे और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। विकास यात्रा में काले झंडे का साया, विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आया गुस्सा, ग्रामीण पहुंचे थाने। गांजे की खेप के साथ 3 गिरफ्तार, एक महिला आरोपी भी गिरफ्तार। सोमवती अमावस्या पर पादरपुर में लगा भक्तों का मेला। मंत्री श्री भार्गव ने रहली विधानसभा क्षेत्र के लोगों को दी अनेक सौगातें। ये थी दिनभर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे विधानसभा जवेरा की, जहां विकास यात्रा में काले झंडे दिखाए गए हैं, जिस पर विधायक और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को काफी गुस्सा आया। पुलिस बुलाई गई, ग्रामीणों को थाने तक पहुंचा दिया गया, जिसके बाद काफी बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हुए और इसके बाद दबाववश ग्रामीणों को रिहा किया गया। इस बात की शिकायत को लेकर ग्रामीणों के द्वारा आज ज्ञापन सौंपा गया। पुलिस अधीक्षक कार्यालय दबाव पहुंचकर ये शिकायत दर्ज कराई गई है कि निर्दोषों को जबरन पुलिस ले गई थी। हमारा नाम सैमसन लेडी, मैं ग्राम पंचायत डूमर बड़गांव से आया हूँ। विकास यात्रा चल रही थी, विकास यात्रा में समस्त सभी ग्रामवासियों ने काले झंडे दिखाकर विधायक का स्वागत किया था, क्योंकि उनने एक विकास यात्रा निकाली थी। तो हमारे वहाँ पे विकास नहीं हुआ, विकास की जगह विनाश हुआ है। तो उसमें ग्रामवासियों ने काले झंडे दिखाए थे, मगर निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनमें हम भी थे। उसमें क्या हुआ था, मैं आवेदन देने विधायक जी को गया, उनसे पूछा कि इन लोगों को, 3 लोगों को गिरफ्तार क्यों किया है। तो साथ में उनने पुलिस को सूचित किया और हमको भी गिरफ्तार करवा दिया और थाना नोहटा में 3-4 घंटे करीब बंद करवा दिया। उसके बाद में पुलिस से, जब हमारे पिताजी लोग, गांव वाले लोग गए छुड़ाने के लिए, तो उनसे बोला कि विधायक से माफ़ी मांगो तो हम छोड़ देंगे। तो फिर हम लोगों ने बोला, हमारे पिताजी लोगों ने बोला कि जो कार्रवाई करना कर दीजिए, माफ़ी नहीं मांगेंगे। उसके बाद में फिर उन्होंने छोड़ दिया। तो हम ये कार्रवाई करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ ज्ञापन देने आए। देखिए, जो अभी बीजेपी वालों की जो विकास यात्रा चल रही है, उसमें डूमर में जो यात्रा चल रही थी, उसी समय सत्येंद्र सिंह लोधी हैं जो, उनके ऊपर एक फर्जी मामला बनाया गया। उस ग्रामीण क्षेत्रों ने जो उन्हें काले झंडे दिखाए थे उस यात्रा में, उसमें हमारे जो सत्येंद्र सिंह लोधी जी हैं, इनको फर्जी पुलिस ने मामला बनाकर पकड़ लिया और 2-3-4 घंटे कोतवाली बंद भी किया और कहा कि आप जब धर्मेंद्र सिंह से माफ़ी मांगेंगे विधायक से, तब जा कर के हम आपको छोड़ेंगे। ऐसा क्यों किया इनके साथ, क्या वजह? ये वहाँ पर कुछ ग्राम पंचायत में ITI लगाए होंगे कि आप सूचना के तहत, इसलिए उन लोगों ने साथ में इन्हें भी गिरफ्तार करवा दिया। क्या चाहते हैं अब आप? हम लोग चाहते हैं इसकी जांच हो, निराकरण हो, दूसरी व्यक्तियों को सजा मिले। और वैसे ही भाई, जब की जनता ने उन्हें विधायक बनाया है और कुछ गलती होंगी विधायक जी से, तब तो उन लोगों ने उनकी विकास यात्रा में काले झंडे बनाए। भाई, आपकी विधानसभा की तो जनता है, दुरुस्त होना उसका कर्तव्य है। कहीं गलती हुई होगी तभी तो उन लोगों ने काले झंडे दिखाए, उसका आप लोग, आप उनको निराकरण करना चाहिए विधायक जी को। ये नहीं कि उनको पकड़वा के बेचारे गरीब लोगों को, जिसकी वोट से आप विधायक बने, उनको थाने में अरेस्ट करवा दिया। संजय सरवरिया, लकड़ी न्यूज, दबाव। दमोह नगर कोतवाली पुलिस को एक सफलता मिली है, 3 आरोपियों के साथ गांजे की खेप को पकड़ा गया है। बताया जाता है कि लगभग 8 किलो से अधिक गांजा पकड़ा गया है। 3 आरोपी भी पकड़े गए हैं। पकड़े गए आरोपी में एक महिला भी शामिल है,
दमोह की जटाशंकर कॉलोनी के समीप से इसे पकड़ा गया है। यह भी बताया जा रहा है कि छोटी छोटी पुड़िया बनाकर गांजे को बेचा जाता था, जिसके बाद पुलिस के द्वारा यह कार्रवाई की गई है। समन्वय प्रभारी नगर पुलिस अधीक्षक भावना दांगी के द्वारा बताया गया। कोतवाली पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई, तो जिसमें तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से तकरीबन 8.5 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत 84,500 रुपये के आसपास होगी। उन तीन व्यक्तियों में एक महिला और दो पुरुष शामिल हैं। आरोपी जो कहां से कहां लेकर के जा रहे थे? ये जटाशंकर कॉलोनी के पास से बंदे पकड़े हैं। आरोपियों का पूर्व तक कोई भी रिकॉर्ड नहीं, आपराधिक रिकॉर्ड उनका कोई नहीं। कहाँ से लाए थे ये? ये कटनी जिले से लाना बता रहे हैं। मैडम, ये जो इसमें जो टोटल गांजा पकड़ा गया है 84,500 रुपये की बता रही, ये एक्चुअल में कीमत आपके कैसे है? जब इलीगल है ये तो गांजा, तो इसकी मूल्य कहाँ से बता रहे? सप्लाई करते थे कि बिक्री के लिए टीम में कौन कौन लोग रहे? तीन लोगों में एक योगेंद्र पिता हरनारायण गौड़ है, ये बीडी कॉलोनी का। दूसरा मोनू और विक्रम पिता मुन्ना लाल खटीक, और तीसरी एक महिला है अनीता और अब्बे पति बल्ली राठौर, ये सभी बीडी कॉलोनी के निवासी है। टीम में कौन कौन लोग शामिल हैं? टीम में योगेंद्र, मोनू और अनीता। टीम आपकी टीम जो पुलिस की रही है? टीम में जो थाना प्रभारी विजय राजपूत, उप निरीक्षक रोहित द्विवेदी, सौनी अलदार सिंह, प्रधान आरक्षक अनिल गौतम, प्रधान आरक्षक डेलन, प्रधान आरक्षक राकेश, आरक्षक ओम प्रकाश, आरक्षक नरेंद्र, आरक्षक रूप नारायण, आरक्षक नवीन और महिला आरक्षक साक्षी, इन सभी का विशेष योगदान। मैडम, ये जो महिला अब्बे, इसका हस्बैंड क्या गांजा तस्करी में जेल में? इसका हस्बैंड नहीं है, जो इसका ये महिला का जो पति है ये ग्वालियर का है, पर ये यहाँ किसी और के साथ रहती है, वो जेल में है। पवन नामक बोला है, पवन सिंधी नवानी। ये कल दिनांक 19 फरवरी को तीन आरोपी पकड़े गए हैं, जिनके पास से 8.5 किलो के आसपास गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत 84,500 रुपये के आसपास है। ये तीनों आरोपी शोभा नगर के पास जटाशंकर पकड़े गए। क्या करते थे गांजा, कहाँ से लाते थे, क्या करते थे गांजा का? ये जो है गांजा कटनी से लाना बता रहे हैं, जिसमें ये लोग छोटी छोटी पुड़िया बना के गांजे को बेचते। नगर पुलिस अधीक्षक भावना दांगी के द्वारा जानकारी दी गई कि नगर कोतवाली TI विजय राजपूत सहित स्टाफ के द्वारा काफी अच्छा कार्य किया गया है। संजय सरवरिया, Lucky DCN News। प्रदेश के साथ दो में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के द्वारा एक रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री से इनकी मांगे मानने की अपील भी की गई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का कहना है कि प्रदेश सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। पूर्व में उनके द्वारा जो आंदोलन किया था उस पर भी अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ। 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है, नहीं तो उसके बाद ये मैदान में उतरेंगी। आ रहे हैं, क्या कारण है? 2022 मुख्यमंत्री ने कोई सुनवाई नहीं, और हमने बोल दिया था कि 2023 हमारा होगा। अब आज कानून के अंतर्गत, आज कानून के अंतर्गत रहकर हम लोग रैली निकाल कर सादगी निवेदन करने जा रहे हैं कि हम लोगों की मांग पूरी हो जाए। यदि हम लोगों की, जैसे उन्होंने 15 दिन का हमें समय दिया था, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुई, और हम भी 15 दिन का हम समय देने जा रहे हैं। यदि 15 दिन के अंदर
हम लोगों की मांग पूरी नहीं हुई तो या तो हम लोग विधानसभा का घेरा करेंगे, जैसा मतपत्र पुस्तक पर सुझाव होगा, नहीं तो फिर अनिश्चितकालीन धरना तय पर बैठेंगे। और यदि मांग पूरी नहीं हुई तो हो सकता है हमारी कुछ बहने चुनाव में उतरे। संजय सरवरिया, लखीड़ी से न्यूज तपो। दमोह के धर्मपुरा वार्ड में मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की काफी लापरवाहियां सामने आ रही हैं। यहां पर जो तार हैं उनमें काफी कट लगे हुए हैं। ये कहा जाए कि कभी भी कोई बड़ा हादसा होगा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यहां पर 20 सड़क पर जो तार हैं, केबल लगी हुई है, उसमें काफी बड़े बड़े फॉल्ट हैं। एक बांस के सहारे ये तार लटके हुए हैं। ऐसे में यहाँ पर जो छात्र छात्राएं स्कूल आते हैं उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। इस संबंध में स्थानीय लोगों द्वारा एक वीडियो वायरल किया गया है और उचित कार्रवाई की मांग की गई है। संजय सरवरिया, लखीड़ी से न्यूज तपाव। सोमवती अमावस्या पर दमोह के सिद्धेश्वर जागेश्वरनाथ धाम माधकपुर भक्तों का मेला दिखाई दिया। सुबह से ही बड़ी संख्या में महिला यहां पर नजर आईं। सुबह से लेकर शाम तक बताया जाता है कि लगभग 40,000 से अधिक भक्तों ने दर्शन किए। वहीं शिवरात्रि पर यह आंकड़ा लगभग 4.5 लाख से अधिक था। आज सुबह से ही काफी चाक चौन व्यवस्थाएं की गई थी, महिलाओं के द्वारा भगवान के दर्शन किए गए।
संजय सरवरिया, लखी डीसी न्यूज। दमोह की जटाशंकर कॉलोनी में अचानक से गायों की मरने की सूचना है। बताया जाता है कि अब तक 3 गायों की मौत हो गई है। डॉक्टरों के द्वारा यहां पहुंचने की जहमत नहीं उठाई गई। स्थानीय लोगों के द्वारा इस बात की भी शिकायत दर्ज कराई गई कि वेटनरी विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। अशोक पाठक किस जगह में रहते हैं, क्या हुआ? यहीं जटाशंकर राम मंदिर में अचानक गाय बाहर घूमने गई तो पता नहीं क्या खा लिया। यहाँ जटाशंकर धाम में भंडारा होता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत से धतूरे चावल दाल का एकत्रीकरण है जो गाय खा रही हैं आवारा पशु आकर के, जिसमें से हमारी एक गाय अभी सुबह मर गई। 2 दिन से डॉक्टरों को फ़ोन लगाया, कोई नहीं आया। मरने के उपरांत डॉक्टर साहू आए और अन्य गायों का ट्रीटमेंट किया, जो अभी 4 गाय और मरने की हालत में जो यहाँ सामने बनी हुई है, ये भी घायल है सर। कितनी गाय ख़त्म हुई हैं आज? आज की डेट में अपनी 3 गाय ख़त्म हुई हैं। कैसे हो गई क्या? अब उसका भाई साहब पता नहीं चला, बीमार थी, पेट फूला हुआ था। डॉक्टरों को सारी प्रक्रिया बताई लेकिन ना तो वो आए ना कोई सुझाव दिया। मरने के बाद डॉक्टर साहू आए। किसकी लापरवाही है इसमें? इसमें डॉक्टरों की लापरवाही है। और मैं जाकर के मैंने सांसद प्रतिनिधि से भी शिकायत की है, उन्होंने फ़ोन लगाया था डॉक्टरों को, उसके बाद डॉक्टर आए तो गाय मर चुकी थी। संजय सरवरिया, लखी डीसी न्यूज। महाशिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ की शादी हुई और उसके बाद भंडारे का भव्य आयोजन किया गया। दमोह के पॉलिटेक्निक कॉलेज में ये आयोजन किया गया। समाज सेवी मनीष तिवारी और उनकी पूरी टीम के द्वारा ये आयोजन किया जाता है। भव्य भंडारे का आयोजन होता है, सभी धर्म जाति के लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं। संजय सरवरिया, लखी डीसी न्यूज। दबाव विकास यात्राएं निकाली जा रही, इसमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी शामिल हुए। कुंडलपुर सेक्टर के अंतर्गत ग्राम सिंहपुर रामगढ़ आदि क्षेत्रों में लगातार ये यात्राएं निकल रही, जिसमें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल आज शामिल हुए। यात्रा के दौरान उनके द्वारा माता रानी अंबिका के दरबार में पहुंचकर मत्था टेका, इसके बाद रुक्मणी माता की मूर्ति जो चोरी हुई थी उस विषय पर अधिकारियों के साथ अपनी बात रखी। इस अवसर पर पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष शिवचरण पटेल, पूर्व मंडी अध्यक्ष राजेंद्र पटेल, बीजेपी उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र परिहार सहित स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। ओरिजिनल स्थान जहां थी, लेकिन मूर्ति चोरी गई है तो स्थान यही होना चाहिए। नहीं, यहां से गई थी। हम सुरक्षा पहली प्राथमिकता देंगे। ये चीजें हैं जो जीवन में कलंक लगाती हैं, तो हम सिमेट्री बनाएंगे। यहाँ रखे आने जाने का मौका रहेगा, इसमें तत्पर रहेगा तो कम से कम लोग उसका पूजा दर्शन कर पाएंगे। अब जैसे ये चबूतरा है बाजू ने भैया थोड़ा यहीं से गई है, यहाँ पर सबको और मजबूत करने वाले हैं। बाहर से भी दीवाले वाले खड़ी कर रहे हैं, कुछ हम भी मतलब जनता के सहयोग से करेंगे, बाकी चीजें करेंगे, उस मठ को भी ठीक करेंगे। जरूरत पड़ेगी तो इसकी कॉपी करके हम कोई मूर्ति सेम बनवा के रखवा देंगे, कुछ करेंगे। मूर्ति आ गई, वो दमयंती संग्रहालय में सुरक्षित है। लेकिन जब मैंने मंत्री होने के नाते, मंत्री हो या अधिकारी हो, दोनों की जिम्मेदारी ये है कि हम जब तक सुरक्षा की आश्वस्ति ना दे सके हम बहुत बड़ी बड़ी बातें ना करें, क्योंकि एक बार वो मूर्ति चोरी जा चुकी है।
और इसलिए एक बार इस प्राइमेसिस को हम इतना सुरक्षित बना लें कि ये गारंटी हो कि साहब यहाँ से कुछ इंट्रेसिंग नहीं होगी। तो ये काम हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। मैंने तो ये तय किया था कि मैं जनता से सहयोग लूँगा, लेकिन मैं ASI को धन्यवाद दूंगा और सरकार को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये दीवार अपने खर्चे से बनाना शुरू किया है। दूसरा इस स्ट्रक्चर के बारे में था कि इसकी व्यवस्था ठीक से हो जाए कि बचा रहे, क्योंकि जो ASI का प्राइमेसिस है यहाँ नया निर्माण उनकी सहमति के बगैर या उनकी अनुमति के बगैर नहीं हो सकता। मैं मंत्री हूँ केंद्र का, उसके बाद ही मैंने अपने APS से पत्र लिखवाया दीजिए कि तो तब मुझे पता चला कि दीवार का काम इन लोगों ने शुरू कर दिया है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो खर्च हम लोग चाहते थे कि हम करेंगे वो ASI ने कर दिया। लेकिन अभी तीसरा चरण बाकी है, हम रोड से यहाँ तक आए, मतलब आप मानकर चलिए कि 1000 से ज़्यादा वर्ष पुराना मॉन्यूमेंट है। अरे दुनिया के देशों में उसके बाद 100-200 साल पुरानी चीज़ें होती हैं, वो उसको लेकर नाचते गाते रहते हैं, पर हम 1000-1200 साल पुरानी चीज़ों के प्रति इतने लापरवाह हैं। हम विवाद में पड़े, अभी तो जैन समाज ने भी कहा है कि साहब सुमन देवी का को बनाई, ये शायद पहले विवाद का कारण था लेकिन आज सहमति का कारण है। तो ये चीज़ें बातचीत से बेहतर हो सकती है और इसलिए मैं मानता हूँ कि जल्दी और आज, और मुझे लगता है इसमें हम अपनी अपनी राय ना बताएं, वो तो भगत जी इतनी जगह पर भावनाओं की दृष्टि से आप अच्छी बात कर रहे होंगे, लेकिन जो मैंने बात आपको पिछली बताई उससे आपको अंदाजा पड़ गया होगा कि तकलीफें कितनी होती हैं। अधिकारी के सामने भी एक चुनौती होती है, जब उसकी प्रॉपर्टी होती है ASI की तो कोई अधिकारी अपनी कलम नहीं फंसाता उसमें, और इसलिए उसमें मैंने कहा था कि आप इसको पहले लोन पर दीजिए, जब सुरक्षा पूरी हो जाएगी कोई अधिकारी नहीं चाहता कि उसको कबाड़ में रखा जाए। भाई जी की मूर्ति लाने में जो चीज़ें मुझे गंभीर पसंद, मैंने उन्हीं का उल्लेख किया है, उनका एक ऑफिशियल चित्र होना चाहिए सभी मूर्तियों का। दूसरा, चूंकि रुक्मणी मठ राज्य कला जी में है और जो भारतीय प्रदेश में है वो अम्बा जी का मठ, मूर्ति यहाँ से चोरी गई है, उसकी स्थापना यहीं पर हो सकती है, सुरक्षा उसके कारण है, और चूँकि ASI की वो प्रॉपर्टी है, मुझे मैं भी मानता हूँ कि ऐसा होना चाहिए। यहाँ बिजली नहीं है, पानी का प्रबंध नहीं है, 3 दिन में बिजली का कनेक्शन करने की बात हुई है, लेकिन समुचित प्रयास हो, विकास की व्यवस्था हो, और इसलिए और यहाँ सौंदर्यीकरण, ये जो वन है पुराना इसके जीर्णोद्धार की भी बात हुई है। इस ASI की सीमा के बाहर जो भी हिस्सा है, जो तालाब है, जो शमशान घाट है और रोड, ये तीनों का काम हम जन सहयोग से करने का जनप्रतिनिधि अपने धनराशि से करेंगे, ताकि ASI का काम पूरा होते ही और ये रोड और तालाब कंप्लीट होने के साथ ही जब हम रुक्मणी देवी जी को यहाँ पर लाकर रखें तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए, सुरक्षा की दृष्टि से, हमारे लोक व्यवहार में आने वाली भूमिका की दृष्टि से, हम यहाँ पर सबसे काम कर सकें, ये तैयारी आज की हुई है। मैं बात के लिए ASI के अधिकारियों का, जिसमें कैबिनेट सचिव का, सभी जनप्रतिनिधियों का और आप लोगों का धन्यवाद। कितने दिन में मुझे लगता है कि जो जितना समय हमारा रोड और तालाब बनने में लगे, बाकी वो बाउंड्री वाल तो अपनी करेंगे, हम दोनों पैरेलल पूरा करना चाहते हैं। मैं मानता हूँ कि 2023 अच्छा वर्ष है, ये सब काम हम कर पाएँ सब मिलकर तो अच्छा रहेगा। आदरणीय अतिथियों से आग्रह है कि वो इसको घूम ही लेगा, ज्यादा समय घूम रहा है। सर्वप्रथम सरस्वती पटेरा से भूपेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। महात्मा गांधी के सागर जिले के गड़ाकोटा में मंत्री श्री भार्गव के द्वारा नटराज ऑडिटोरियम में हितग्राहियों के खाते में किस्त डाली गई। 747 हितग्राहियों के खाते में 5,65,00,000 की राशि डाली गई। बताया जाता है प्रथम द्वितीय तृतीय राशि ट्रांसफर की गई है। 43 मजदूर कार्ड, 10 लोगों को संबल कार्ड के 2-2 लाख रुपए के चेक, 47 राशन पर्ची भी वितरित की गई। मंत्री श्री भार्गव के द्वारा लगातार क्षेत्र में क्षेत्रवासियों को कई तरह की सौगातें दी जा रही हैं। वहीं किसी भी प्रकार की परेशानी स्थानीय लोगों को न हो, उसके लिए वह लगातार विभिन्न आयोजन करके गरीबों के हित में काम कर रहे हैं। रहली विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास उनके द्वारा किया जा रहा है। इस संबंध में हमने मंत्री श्री भार्गव से चर्चा की। इसने आज जो एक मूल बात जो मैं कहना चाहता था, आज चूंकि आप लोगों के बीच में भार्गव जी भी विद्वान हैं, कि आप लोगों के लिए जो कुटीरों का वितरण किया जा रहा है, मेरे ख्याल से पूरे
मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कुटीरों का अगर एक विधानसभा क्षेत्र में वितरण किया गया है तो वो रेहरी विधानसभा क्षेत्र है। और ये हमारे सीताराम पटेल जी राजस्व निरीक्षक अधिकारी एवं महेश लोधी जी, नंदराम जी पटेल, श्याम सैन, आप आएंगे और भैया के साथ 7,000 में से 7,001 घरों के लिए पैसा मिल चुका है कुटीर बनाने के लिए, पहली दूसरी तीसरी के लिए। तो आप कल्पना कर सकते हैं जो बचे 500 घर भी ऐसे जो थोड़े संपन्न लोग इनकम टैक्स देते हैं, कोई भी अनेक प्रकार से सरकारी नौकरी में है या फिर अनेक प्रकार से जो पात्रता नहीं आते, उन लोगों को छोड़कर एक भी घर ऐसा नहीं बचा होगा जिसके लिए कुटीर आवंटन नहीं हुई हो। यदि बचा हो तब भी मैं कहता हूं कि अपने पास इतनी ताकत है, इतनी पहुंच है, इतना अपना कर्म है, इतनी शक्ति है, इतना अधिकार है कि यदि कोई बचा भी होगा 2-500 जो बचे हो, तृतीय और तृतीय किस्त जो है जिन लोगों ने अपने घर की नींव इत्यादि भर ली है, दीवाले खड़ी कर ली और जिनका फोटो वगैरह उतर गई है, उनके लिए की राशि के लिए उनका भी संबल की राशि के लिए, इसके अलावा जिनकी राशन पर्चियाँ नहीं बनी थी राशन पर्चियों का भी, और अन्य अनेकों योजनाएँ जो शासन चल रही है उनकी लाभ वितरण का कार्यक्रम है। कार्यक्रम में SDM गोविंद दुबे, तहसीलदार कुलदीप पारसर, नगर पालिका अध्यक्ष दीपा दिनेश लहरिया, उपाध्यक्ष हरिनारायण पटेल, CMO धनंजय गुमास्ता के साथ काफ़ी बड़ी संख्या में स्थानीय समाज से भी मौजूद रहे। मंच संचालन विक्की जैन के द्वारा किया गया। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। अखिल विश्व विद्यार्थी परिषद इकाई भट्टियागढ़ के द्वारा शासकीय महाविद्यालय से विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। नगर के मुख्य मार्गों से यह तिरंगा यात्रा गुजरी। गेस्ट हाउस से माँ विंध्यवासिनी मंदिर पहुंची, वहीं पर विशाल तिरंगा यात्रा का माँ भारती की आरती के साथ समापन किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष प्रतिनिधि धर्मेंद्र कटारे, जितेंद्र ठाकुर, जनपद सदस्य खड़ेरी रवि तिवारी, उमाशंकर उपाध्याय सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। आज AB वालों के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा 14 फरवरी को पुलवामा हमले में हुए शहीदों के दिवस के अवसर पर आज विद्यार्थी परिषद के द्वारा भटियागढ़ में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी छात्र छात्राओं के द्वारा बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा, सफल कार्यक्रम रहा, जिसमें भटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। भटियागढ़ थाना अंतर्गत एक युवक के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला किया गया, गंभीर स्थिति में से दमो रेफर किया गया। युवक का नाम रवि पटेल, पिता परसोत्तम पटेल है, उम्र 45 वर्ष है। रविवार की रात 8 बजे खेत से वापस लौट रहा था, तभी गुड्डा पटेल के द्वारा रवि पटेल के ऊपर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। घायल को दमो रेफर किया गया था, जहां उसका उपचार जारी है। घटना के संबंध में घायल के पुत्र एवं थाना प्रभारी के द्वारा जानकारी दी गई। हमारा नाम कृष्णकांत पटेल है, ये हमारे पिताजी हैं श्रीमान रवि पटेल। ये खेत से लौट रहे थे तो इन्हों पर जानलेवा हमला किया गुड्डा पटेल ने, तो कुल्हाड़ी मारी है पीठ पर भी और सिर पर भी, पैर पर भी। फिर जाके तब पता चला तो हम लोग भटियागढ़ ले गए उठा के, फिर वहाँ से रेफर किया गया तो दम हो गया। किस बात को लेकर विवाद हुआ है? अब ये तो हमको अभी नहीं मालूम, वही पहले से होगा कुछ आपसी मामला। कहाँ के निवासी हो आप लोग? भाट बाजारी। कल 19 तारीख की घटना है, कल भाट बोवी गांव में एक रवि पटेल नाम के व्यक्ति को एक बुड्ढा पटेल नाम के व्यक्ति ने कुल्हाड़ी से मारकर घायल कर दिया था। 100 नंबर वाहन को उन्होंने फ़ोन लगाया था, हालांकि वो प्राइवेट वाहन से अस्पताल में आ गए थे। अस्पताल में उसकी
बताने पर रिपोर्ट दर्ज की है गुड्डा बम्मा खिलाफ, गुड्डा बम्मा पटेल खिलाफ। सर किस विवाद के ऊपर से, कोई पुराने विवाद? ये इनका पुराना विवाद था संभवतः ये जमीन संबंधी विवाद था इनका पहले से, उस विवाद को लेकर पहले गाली गलौज हुआ और उसके बाद पे ये गुड्डा पटेल ने मारपीट कर दी। आरोपी पकड़ा गया? गुड्डा पटेल आरोपी की हमने तलाश की है लेकिन अभी मिल नहीं पाया है, तलाश कर रहे हैं घर पर अभी नहीं है और प्रकरण दर्ज करके हमने विवेचना चालू कर ली। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज, तथा विकास यात्रा में काले झंडे का साया, विधायक और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आया गुस्सा, ग्रामीण पहुंचे थाने। गांजे की खेप के साथ 3 गिरफ्तार, 1 महिला आरोपी भी गिरफ्तार। सोमवती अमावस्या पर पांडवपुर में लगा भक्तों का मेला। मंत्री श्री भार्गव ने रहली विधानसभा क्षेत्र के लोगों को दी अनेक सौगातें। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें, अगला न्यूज़ बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।